जी प्रणाम। आओ बेटा, तुमने तो आने में बहुत देर कर दी। कहो, कैकईपुर में सब कुशल से तो है? हाँ माता, सब प्रकार से कुशल है। परंतु माता, ये आज आपने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं? पिताश्री, भैया राम लक्ष्मण कहाँ हैं? बेटा, पहले थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। नहीं माता, जब तक मैं उनके दर्शन नहीं कर लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। बेटा, मैंने कहा ना, मैंने सब ठीक कर रखा है। क्या ठीक कर रखा है बताओ, शीघ्र बताओ। पिताश्री, भैया राम लक्ष्मण कहाँ हैं? बेटा, मंथरा ने मुझे सही समय पर शिक्षा दी, वरना सारा का सारा काम बिगड़ जाता और हाथ मलने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं आता। ये आज तुम कैसी बातें कर रही हो माता, पहले जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। मैं कह तो रही हूँ मैंने सब ठीक कर रखा है, परंतु 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 क्या माता जी? परंतु राम के वन जाने के बाद महाराज का स्वर्गवास हो गया। पिताश्री, चलत न देखन पाया हूं तो ही तात न राम ही सौंपे मोही। पिताश्री, आप तो अंतिम समय में मुझे भैया राम के हाथों भी सौंप कर नहीं गए। अविधाता, अविधाता एक कैसा दुर्दीन दिखाया है, अंतिम समय में पिताश्री के दर्शन भी नहीं कर सका। करेगा कौन अब संसार में यो मानता मेरी, खुद अब कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी। बेटा उठो, मरना जीना तो विधाता के अधिकार में है। परंतु माता जी, पिताजी ने प्राण कैसे त्यागे? क्या कुछ रोग हो गया था? नहीं, राम के वियोग में कुछ पागल से हो गए थे, बस राम राम रटते रटते स्वर्ग से धार गए। क्या कहा माता, राम का वियोग, राम कहाँ चले गए थे? राम का वन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना बेटा। राम का वन जाना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो माता? राम के साथ जानकी और लक्ष्मण तीनों ने जाना स्वीकार किया और तीनों के जाने के बाद ही महाराज का स्वर्गवास हो गया। हाँ, सर्वनाश सर्वनाश। तो क्या राम के वन जाते समय किसी ने भी उनका साथ ना दिया और वे अकेले ही वन को चले गए? कहा ना बेटा, जानकी और लक्ष्मण ने भी उनका साथ जाना स्वीकार किया और बस तीनों के जाने के बाद ही महाराज का स्वर्गवास हो गया। वाह वाह माता जी वाह, ये तो आपने बड़ा ही सुंदर कार्य किया है। धन्य है माते आपको, धन्य है। हाँ बेटा, मैं यही तो सुनना चाहती थी। आओ, महाराज की मृत्यु का दुख भूलकर निश्चिंत होकर राज्य संभालो। राज, जिस राज्य ने तुझे अंधा कर दिया, जिस माया ने तेरी आंखों पर पट्टी बांधी, जिस मोह ने तुझे पागल कर डाला, क्या मैं भी इस राज्य के चक्कर में पड़ अपना कर्तव्य भूल जाऊं? मुझे तो राज्य तेरा पापेन विष्कर बराबर है, जिसे तू राज्य कहती है वह कंकर और पत्थर है। राज्य का इस प्रकार आदर करते हैं भरत? भलाई, इस पाप को भलाई कहती हो, इस अन्याय को अच्छाई जानती हो। अरे, मीन को जल से अलग कर देना भी क्या भलाई है, जड़ों को काट कर पत्तों को सींचना भी क्या भलाई है। पिलाया विष मुझे, अच्छा किया है प्यार यह तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार यह तूने। रेखा तीर छाती से किया है पार यह तूने, लगाए घाव पर मेरे गरम अंगार यह तूने। मैं समझा
खूब समझा आज तेरी प्रीति नागिन की, कहा सीखी है तूने हाँ पापिन ये रीति नागिन की। मेरी भलाई का ये सिला देते हो भरत? वरदान तुम नहीं जानते कितनी मुश्किल के साथ तुम्हारे लिए मैंने महाराज से ये दो वरदान प्राप्त किए थे। वरदान? वरदान मांगते समय तेरी जीवा क्यों न चल गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों न पड़ गए? हंस बंस दशरथ जन को राम लखन से भाई, जननी कुजननी भई विदिशन कुछ न बसाई। हे माता तूने तो कुल का सभी प्रकार से नाश कर दिया। यदि तेरी ऐसी ही इच्छा थी तो तूने मुझे जन्म देते मार क्यों ना डाला? भरत मुझे सूर्यवंशी पिता और भैया राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, परंतु जननी जन्म देने वाली तू क्यों हुई? विधाता के आगे किसी का वश नहीं चलता, फिर राजा ने तेरा किस प्रकार विश्वास कर लिया? जान पड़ता है मृत्यु के समय विधाता ने उनकी बुद्धि को हर लिया था, अन्यथा आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसा मत कहो का नाश कराया है। अरे ओ दासी हृदय जली अब हमें जलाने आई है, रघुकुल का जलता दीप बुझा अब आता बाल कल आई है। नहीं नहीं शत्रुघ्न, भैया शत्रुघ्न जाने दो, स्त्री को मारना ठीक नहीं। माँ तुम मुझे यह बताओ वो सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी? कैसे वर्षा या कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी? दिन में तपती बालू पर चल अत्यंत विकल होती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। इतने दुख पर ये वज्र गिरा छोड़े हैं प्राण पिताश्री ने, क्या यही देखने को धारा नरजीवन मुझ दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना, जब हो पिता का दाह कर मेरी भी चिता जला देना, मेरी भी चिता जला देना। शत्रुघ्न आज मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात हुआ यह मेरी माता नहीं हो सकती, यह अवश्य ही कोई भयंकर राक्षसी है। यदि तू स्त्री ना होती तो आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। मुझे नरक में रहना स्वीकार है परंतु तेरा माता कहना स्वीकार नहीं। जिस कक्ष में मेरा बचपन बीता आज के बाद उस कक्ष में मैं कदम नहीं रखूंगा। यदि स्वर्ग लोक में पिताश्री मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आज यह भरत प्रतिज्ञा करता है कि कैकेयी का माता के रूप में परित्याग करता है। भरत परित्याग करता है। भरत भरत भरत